myself Alka and welcome to our excellence family. चलिए friends, आज की वीडियो में हम किसके बारे में जानने वाले हैं? कंपनी का समामेलन या पंजीयन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अब कैसे करवाया जाता है, यह मेथड आज हमको जाननी है. वैसे तो हमने साझेदारी व्यापार का पंजीयन कैसे करवाया जाता है वो भी पढ़ा है, तो सेम वैसी ही इसकी प्रोसेस होती है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. बस आप इतना रखो कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मली होती है. जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आप किसी स्कूल में क्या करते हो, एडमिशन के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिलता है, स्कूल से आपको एक फॉर्म दिया जाता है. फिर उस फॉर्म में कुछ डिटेल आपसे पूछी जाती है, जैसे आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके पिता का नाम, आपकी पिछली कक्षा, ऐसी बहुत सारी डिटेल पूछी जाती है. फिर उस डिटेल को आप क्या करते हो, फिल कर देते हो. फिर साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने का भी बोला जाता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना, और आपकी पिछली क्लास की मार्कशीट हो गई, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने का कहा जाता है. फिर ये सारे सर्टिफिकेट आप फॉर्म के साथ क्या कर सकते हो, अटैच करके फिर उस फॉर्म को क्या करते हो, वापस से स्कूल में सबमिट करते हो, और स्कूल में सबमिट करके फीस जमा करके आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है. सेम यही प्रोसेस कंपनी में भी होती है कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के बाद कंपनी का काम स्टार्ट होता है. ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया कि कैसे क्या प्रोसेस होती है. क्लियर फ्रेंड, अब देखो इसकी डिटेल कि कंपनी का पंजीयन कैसे होता है. भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम क्या है हमारा 1956, के तहत कंपनी का समामेलन करवाना अनिवार्य है. मतलब कंपनी का पंजीयन करवाना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन काम सारे एक पर्सन की तरह ही करती है. ठीक है, जिस राज्य में कंपनी अपना रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित करना चाहती है, उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास कार्यालय में कंपनी का समामेलन करवाना पड़ता है. जैसे हर एक मोबाइल का सर्विस सेंटर होता है, चाहे अमेरिका का मोबाइल हो, जापान का मोबाइल हो, कहीं का भी हो, लेकिन उनके भी सर्विस सेंटर होते हैं ना. सेम इसमें यही बताया गया है कि कंपनी किसी भी देश की हो, कहीं की भी हो, तो अगर वह किसी राज्य में क्या करना चाहती है, अपना कार्यालय स्थापित करवाना चाहती है, तो उसे उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास अपना पंजीयन करवाना पड़ता है. जैसे मध्य प्रदेश का लिखा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश राज्य में अगर कंपनी कोई रजिस्टर्ड करवाना चाहती है तो उसका कार्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है. ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहती है अपनी कंपनी को, तो उसका कार्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है. फिर देखो, समामेलन के पश्चात मतलब पंजीयन के बाद कंपनी अस्तित्व में आती है और उसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाने लगता है. जब कंपनी पंजीयन करा लेती है तब वह अस्तित्व में आती है. अस्तित्व का मतलब होता है तब उसको एक पहचान मिलती है कि हाँ, ABC ℝ𝑦𝑍𝕀 नाम की कोई कंपनी है. ठीक है फ्रेंड्स, फिर कंपनी का समामेलन होने के पूर्व के कार्य प्रवर्तक के कार्य माने जाते हैं. मतलब जब पंजीयन नहीं होता है तब उसके पहले कंपनी की स्थापना को लेकर जो काम होते हैं, कंपनी की जो रूपरेखा तय की जाती है, है ना, और कंपनी का जो पंजीयन करवाया जाता है, वो सब काम किसके होते हैं, प्रवर्तक. अब प्रवर्तक कौन होता है, जो कंपनी को क्या करता है, ऑपरेट करता है. जैसे मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, सुनील मित्तल, ये सब क्या है, भारत के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं. ठीक है, और फिर समामेलन होने के पश्चात मतलब जब पंजीयन हो जाता है उसके बाद कंपनी द्वारा प्रवर्तकों के पूर्व कार्यों की जांच की जाती है. सभी वे कंपनी द्वारा किए गए कार्य कहलाते हैं. कहने का मतलब है, जब कंपनी का पंजीयन नहीं होता है तब कंपनी के प्रवर्तक सारे काम करते हैं. फिर पंजीयन हो जाने के बाद इस बात की जाँच की जाती है कि जितने भी कार्य प्रवर्तक द्वारा किए गए हैं वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही वो सारे काम कंपनी के माने जाते हैं. क्लियर, अब देखो समामेलन की विधि. मतलब अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी कोई ℝ𝑦𝑍𝕀 की कोई कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिख दो, और अगर ये ओनली कैसी है, पब्लिक कंपनी है, तो इसके आगे ओनली लिमिटेड शब्द लिख दो. अब देखेंगे कि हम हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करवा सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स देखो यहां पर. फर्स्ट लिखा है,
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, कंपनी का नाम, पूंजी निर्गमन के लिए अनुमति लेना, आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना एवं प्रस्तुत करना, शुल्क का भुगतान करना और समामेलन का प्रमाण पत्र, ये कुछ स्टेप दी गई है कंपनी के रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, इन स्टेप को फॉलो करके आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, इसका मतलब क्या होता है। देखो, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान का चयन कंपनी के प्रवर्तक को करना होता है। हमने अभी पढ़ा था ना कि जो कंपनी जिस राज्य में अपने आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहती है, उस राज्य के कार्यालय में जाकर वहां के रजिस्ट्रार से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकती है। तो यहां पर भी ये बोला गया है कि कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में कराए, किस राज्य में कराए, इस बात का चयन करने का अधिकार किसको है, प्रवर्तक। और प्रवर्तक कौन होता है, जो कंपनी को ऑपरेट करता है। फिर देखो, जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होगा, उसी राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनी का पंजीकरण होता है। जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित होगा, उसी राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनी का पंजीकरण होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, तो ये किस जगह होगा, ग्वालियर में होगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, कंपनी का नाम, कंपनी के नाम का चयन भी कौन करते हैं, प्रवर्तक करते हैं कि वो उनकी कंपनी का क्या नाम रखे। ठीक है, ABC XYZ जो उनको सही लगे, पर प्रवर्तक को कंपनी के नाम के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार से अनुमति ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नाम से उसके व्यवसाय का पता भी चलना चाहिए। फिर से सुनो, ये बताया गया है कंपनी का नाम, जब कोई भी प्रवर्तक अपनी कंपनी का जो नाम रखना चाहता है, उस नाम को रखने से पहले उससे अपने क्या करना चाहिए, नाम के बारे में पहचान कर लेनी चाहिए कि मेरा ये नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है, या फिर मैं किसी ऐसे नाम का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जैसे राजा रानी, क्राउन, महारानी, ये ऐसे है जो ऐसे नाम है जो कि रजिस्टर्ड, ये सरकारी नाम है, इनको बिना शासन की अनुमति के आप यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रवर्तक जो होता है, उसे अपनी कंपनी के नाम को चयन करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वह ऐसा नाम नहीं रख सकता है जिस नाम को प्रतिबंधित किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वह अपनी कंपनी का ऐसा नाम रखे जिस नाम से उसके काम की पहचान हो सके, ऐसा नहीं कंपनी का नाम अलग और उसका काम अलग। ठीक है, जैसे कि कोई शूज़ की कंपनी हो और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा हो, तो ऐसा नहीं, जैसा नाम वैसा ही काम। ठीक है, फिर देखो, पूंजी निर्गमन के लिए अनुमति लेना। अब हर एक कंपनी क्या होती है, पैसे के लिए, जैसे किसी कंपनी को 1,00,000 पूंजी की आवश्यकता है, तो वो क्या करती है, अपने अंशों का निर्गमन करके क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है, क्योंकि वो 1,00,000 रुपए किसी व्यक्ति से लेने जाए तो उसको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन वह उस 1,00,000 रुपए की राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में मांगती है तो उसे आसानी से मिल जाता है। तो अब इस बारे में भी क्या बोला गया है, देखो, यदि कंपनी को 1,00,000 रुपए से अधिक की पूंजी का निर्गमन करना है, तो उसे प्रविवरण जारी करने से पूर्व पूंजी निर्गमन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की अनुमति ले लेना चाहिए। 1992 के अध्यादेश की संख्या 1 के द्वारा अब पूंजी निर्गमन के लिए पूंजी नियंत्रक की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं होती। मतलब ऐसा बोला गया है, पूंजी निर्गमन के लिए अनुमति लेना, अगर कोई कंपनी पूंजी प्राप्त करना चाहती है, तो वह अपने अंशों का निर्गमन करने से पहले क्या करेगी कि अपने केंद्रीय सरकार की अनुमति लेगी, ऐसा पहले रूल था। लेकिन 1992 के अध्यादेश संख्या 1 के बाद अब किसी भी कंपनी को पूंजी निर्गमन के लिए किसी प्रकार की कोई आदेश या कोई ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी केंद्रीय सरकार की आज्ञा लेना अनिवार्य नहीं है। फोर्थ देखो फ्रेंड, इसमें क्या लिखा है,
आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना एवं प्रस्तुत करना। जैसे क्या होता है, हमारा स्कूल फॉर्म जो है उसमें बहुत सारी डिटेल हम फिल करते हैं, फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट भी उसमें अटैच करने होते हैं, तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी है। क्या बोला गया है कि समामेलन के लिए प्रवर्तक कंपनी से संबंधित प्रलेखों को तैयार कर जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित है उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अब कंपनी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रमुख प्रलेख कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ेंगे। क्या है, आवश्यक प्रलेखों को तैयार करके प्रस्तुत करना। जो प्रवर्तक होता है कंपनी का, प्रवर्तक का मतलब यहाँ पर एक पर्सन से होता है जो कंपनी को क्या करता है, ऑपरेट करता है, कंपनी का संचालक होता है, ठीक है। तो वो अपने कंपनी का पंजीयन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे पार्श्व सीमा नियम, ठीक है। इसमें बोला गया है पार्श्व सीमा नियम क्या है, यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंपनी का उद्देश्य, उसका नाम, उसका स्थान, उसके सदस्य, उसके अधिकार, ये सारी बातें लिखी जाती है, ठीक है। तो जो जो कंपनी से रिलेटेड प्रलेख होते हैं, प्रलेख मतलब दस्तावेज, दस्तावेज मतलब होता है फ्रेंड्स कागज का एक टुकड़ा, है ना, एक प्रपत्र जिसमें हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। तो यह कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। पार्श्व सीमा नियम में कंपनी का नाम, पूंजी, उद्देश्य, स्थिति, दायित्व इत्यादि लिखे जाते हैं, क्लियर। अब सेकंड देखो पार्श्व अंतर नियम। अब जो पार्श्व सीमा नियम होता है उसमें जो कुछ भी डिसाइड होता है, जैसे कंपनी का काम, है ना, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का नाम, कंपनी के अधिकार, तो अब कंपनी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए उसके नियम और उपनियम इसके अंदर बनाए जाते हैं, और इसे कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख कहते हैं। यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसमें पार्श्व सीमा नियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम एवं उपनियमों का उल्लेख होता है, क्लियर। अब थर्ड देखो संचालकों की सूची। अब कंपनी को कितने पर्सन क्या करेंगे, संचालित करेंगे। जैसे सार्वजनिक कंपनी को कितने पर्सन संचालित करते हैं, 3, है ना, उसी तरीके से इसके बारे में क्या दिया है कि संचालकों की सूची का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों की सूची नाम सही दी जाती है जो कंपनी के संचालक बनने के लिए सहमत होते हैं। मतलब अब उन पर्सनों की एक सूची तैयार की जाती है जो कंपनी में पैसा लगाएंगे, कंपनी को संचालित करेंगे। फिर अगला दस्तावेज क्या है, संचालकों की लिखित सहमति। अब सिलेक्ट तो हो गया कि हाँ इतने पर्सन क्या करेंगे, कंपनी को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के संचालक पद के दायित्व को वहन करना स्वीकार किया है उनकी लिखित में सहमति फॉर्म नंबर 29 पर रजिस्ट्रार को भेजना होती है। मतलब कि अब फिर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर कभी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए क्या कर होते हैं, एग्री हो जाते हैं। फिर अगला देखो इसमें फिफ्थ योग्यता अंश। योग्यता अंश का मतलब होता है कि इसमें एक योग्यता, मतलब एक लिमिटेशन तक आप किसी कंपनी के अंश को खरीद सकोगे, है ना। देखो कंपनी के अंतर नियमों में संचालकों के लिए निश्चित संख्या में अंश खरीदने का प्रावधान होता है जिन्हें योग्यता अंश कहते हैं। मतलब एक लिमिटेशन बता दी गई ना कि संचालक इस लिमिट तक अंश को क्या कर सकते हैं, कंपनी के अंश को खरीद सकते हैं। संचालकों की योग्यता अंश लेने की घोषणा भी फॉर्म नंबर 29 पर ली जाती है। फर्स्ट अगर कोई व्यक्ति कंपनी को ऑपरेट करने के लिए एग्री होता है तो इस बात की लिखित जानकारी भी फॉर्म नंबर 29 में दी जाती है, और उसके अलावा कंपनी के जो संचालक होते हैं वो अंशों को किस सीमा तक खरीद पाएंगे उस बात की जानकारी भी फॉर्म नंबर 29 में दी जाती है। एंड अगला है इसमें वैधानिक घोषणा। कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के द्वारा फॉर्म नंबर 1 पर की गई घोषणा कि कंपनी से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है का प्रमाण पत्र भी रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। क्या लिखा है, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के द्वारा फॉर्म नंबर 1 पर की गई घोषणा
कि कंपनी से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है का प्रमाण पत्र भी रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। मतलब जो संचालक होते हैं कंपनी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं तो उसका एक घोषणा पत्र तैयार कर लिया जाता है और वो घोषणा पत्र भी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया है, शुल्क का भुगतान। ठीक है, शुल्क के भुगतान में पढ़े क्या लिखा है, पंजीकरण के लिए प्रस्तुत प्रलेखों के साथ साथ कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं अनुसूची में निर्धारित शुल्क का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक में भारत सरकार के खाते में जमा किया जाता है। मतलब कंपनी जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है फिर उसका जो शुल्क होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार के खाते में कुछ जमा किया जाता है। फिर पंजीकरण शुल्क कंपनी की पूंजी की राशि के आधार पर लिया जाता है। अब एक कंपनी की कैपिटल क्या होगी, 1 करोड़ होगी, 5 करोड़ होगी, 10 करोड़ होगी, उसके अकॉर्डिंग उससे शुल्क लिया जाता है और उस शुल्क को भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। फिर वर्तमान में इस शुल्क की दर, वर्तमान दरें कंपनी की 10वीं अनुसूची में दी गई है। मतलब वर्तमान में कंपनी से कितना परसेंट रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है इस बात की दरें भी 10वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट पॉइंट इसका बचा है समामेलन का प्रमाण पत्र। देखो, यदि कंपनी का रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी के समामेलन से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तो वह समामेलन का प्रमाण पत्र निर्गमित कर देता है। मतलब दे देता है, जैसे आप स्कूल में से फॉर्म लेकर आए उसमें जो डिटेल बनी थी वो आपने फिल कर दी, जो डॉक्यूमेंट थे वो आपने उसमें अटैच कर दिए, फिर आपका वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल एग्री हो जाता है उन सारी डिटेल से, उन सारे डॉक्यूमेंट से, तो आपको स्कूल में एडमिशन दे देता है। सेम प्रोसेस यही है कि इसमें जो जो डिटेल मांगी थी, जो फॉर्म लगाने थे, सब कुछ किया, फिर स्टेट का, जैसे जिस भी राज्य में वो आपको अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है वहां का रजिस्ट्रार एग्री हो जाता है उन सब डॉक्यूमेंट से, तो वो क्या करती है, उसे समामेलन का प्रमाण पत्र दे देती है। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते से ही कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और निजी कंपनी तो अपना व्यापार भी प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे कि हमें समामेलन का प्रमाण पत्र तो यहाँ पर मिल गया। अब समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वो सर्टिफिकेट होता कैसा है, उसका प्रोफार्मा यहाँ पर देखो। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो आपको उस स्टेट के, जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड करवाते हो, चाहे मध्य प्रदेश में कराओ, राजस्थान में कराओ, तो वहां के रजिस्ट्रार के द्वारा आपको कुछ इस तरीके का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे बोला जाता है समामेलन का प्रमाण पत्र। मतलब पंजीयन प्रमाण पत्र कि हाँ आप अब इस स्टेट में रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी। तो देखो यहां लिखा है, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि, अब कंपनी का नाम, जैसे कंपनी का नाम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अ ब स, आप एक्स वाई जेड एबीसी या अ ब स कोई भी कंपनी का नाम लिख दो, फिर कंपनी का नाम हो गया, फिर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी अधिनियम, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होगा और आपकी कंपनी अगर पब्लिक है तो ओनली आपको प्राइवेट लिखना होगा। निजी कंपनी की दशा में अपन को क्या करना होता है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होता है और सार्वजनिक कंपनी मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है तो उसमें ओनली अपन को लिमिटेड लिखना होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आज के दिन समामेलन हो गया है, वो बोल रहा है ये प्रमाणित किया जाता है कि अ ब स नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी का कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत आज के दिन समामेलन हो गया है, मतलब पंजीयन हो गया है, तथा यह एक सीमित या असीमित कंपनी है, जो भी कंपनी होगी अपनी लिमिटेड या अनलिमिटेड वो नाम लिखा होगा, यह शहर में, मतलब अब जैसे कि अपन बोले कि यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर में मेरे हस्ताक्षरों के अधीन आज सन, जैसे सन यहाँ पे लिख दो 2020 के माह के, जैसे जो भी माह हो, फरवरी माह हो, मार्च माह हो, जो भी महीना हो, के दिन जारी किया गया है, तो कुछ इस तरीके से अपने को एक फॉर्म मिलता है, फिर कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं और यहाँ पे कंपनी वो जो भी सील होती है वो यहाँ पे लगा दी जाती है। तो इस
तरीके से आपकी कंपनी अस्तित्व में आ जाती है और आपकी कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन माने जाने लगता है जो एक पर्सन की तरह सारे काम करने के लिए जिम्मेदार बन जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो कुछ इस तरीके से हमने जाना कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।